हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो CBSE ने क्लास 11 के इंग्लिश से हटा दिया है और जो आपके लिए बहुत ही ईजी बन गया कहीं ना कहीं। एंड फर्दर हम लोग मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि CBSE ने इस बार क्लास 11 के इंग्लिश के लिए क्या मार्किंग स्कीम सेट किया है। सो अगर आपको मार्किंग स्कीम पता रहेगा उस हिसाब से आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे और उसी तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ग्रामर पोर्शन, उसमें से आपको मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस एंड एरर करेक्शन हटा दिया गया है। नाउ कमिंग टू लिटरेचर पोर्शन, हॉर्नविल से आपका द एडवेंचर एंड फादर टू सन हटा दिया गया है। नाउ फ्रॉम स्नैपशॉट्स, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेरिन सिटी हटा दिया गया है। नाउ कमिंग टू राइटिंग पोर्शन, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिमूव्ड, लेटर टू द एडिटर, देन जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा एंड रिज्यूम, देन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड लास्टली नरेटिव हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर। Now talking about the syllabus of English, it is divided into part A and B. So first we will be discussing part A. So part A carries 40 marks, in which first is reading section that carries 18 marks, then comes grammar that carries 8 marks, and at last literature portion that carries 14 marks. Now I will be discussing this in detail. So in reading comprehension, question number 1 will be multiple choice question which will carry 10 marks. इसमें आपको एक unseen passage दिया रहेगा जिसमें total 11 questions रहेंगे जिसमें से आपको 10 question का जवाब देना है, that's why it carries 10 marks. Again in question number 2 you will get multiple choice question based on unseen case based passage. इसमें like आपको कोई भी data दिया गया हो या फिर charts या फिर anything like that, उसको पढ़ के आपको किसी भी केस को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। दिस कैरीज 8 मार्क्स। नाउ कमिंग टू ग्रामर पोर्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच विल कैरी 4 मार्क्स। सो इसमें आपको लाइक गैप फिलिंग दिया जाएगा विच विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर पोर्शन, दैट इज डिटरमाइनर्स और टेंसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको रीऑर्डरिंग करने दिया जा सकता है सेंटेंस को या ट्रांसफॉर्म करने दिया जा सकता है। ग्रामर सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको किन्हीं 8 का जवाब देना है। अब लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच विल कैरी 3 मार्क्स। सो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा विच विल बी फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक और वो पोइट्री सेक्शन से रहेगा। लाइक आप मान सकते हैं कि कोई भी पोएम का कुछ लाइंस ले लिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक का आंसर करना है, एक एक्सट्रैक्ट का। देन कमिंग नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, वो 6 मार्क्स कैरी करता है क्योंकि इसमें टोटल 3 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे पर आपको किसी भी 2 का आंसर करना है। और ये जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो प्रॉस से रहेगा, इट कैन बी फ्रॉम हॉर्नविल और स्नैपशॉट। अब नाउ कमिंग टू टेक्स्ट बेस्ड MCQ, ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है एंड इट कैन बी फ्रॉम प्रोज एज वेल एज पोइट्री ऑल्सो। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी ऑल्सो कैरीज 40 मार्क्स जिसमें सबसे पहले है आपका रीडिंग सेक्शन दैट कैरीज 8 मार्क्स, देन राइटिंग सेक्शन दैट कैरीज 16 मार्क्स, देन लिटरेचर सेक्शन दैट कैरीज 16 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी है, दैट कैरीज 20 मार्क्स। सो बेसिकली आपका पेपर रिटन जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और ये जो 20 मार्क्स है आपका वो आपके स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसमें आपका लिसनिंग पावर टेस्ट किया जाएगा, लाइक कुछ आपको स्टोरी सुना दिया गया हो एंड फिर अकॉर्डिंग टू दैट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। देन लाइक आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपको कुछ लाइन्स बोलने होंगे, दैट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपका नोट मेकिंग एंड समराइजिंग आएगा विच विल कैरी 8 मार्क्स। नोट मेकिंग 5 मार्क्स कैरी करेगा और उसको समराइज करने के लिए आपको 3 मार्क्स कैरी करेगा। मैंने नोट मेकिंग का वीडियो पहले भी बनाया है अपने चैनल पे,
आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में आपका सबसे पहले है नोटिस राइटिंग विच विल कैरी 3 मार्क्स। नोटिस राइटिंग में 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से कि आपको किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है एंड यू हैव टू राइट अप टू 50 वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टर राइटिंग, पोस्टर राइटिंग में भी आपको अप टू 50 वर्ड्स में आपका अपना पोस्टर कम्प्लीट कर लेना है एंड देर विल बी 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 एंड दिस ऑल्सो कैरीज 3 मार्क्स। नाउ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग आपको कम से कम 120 to 150 वर्ड्स में अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा। इसमें लाइक आ सकता है कि आपको कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हो, लाइक फॉर एग्जांपल मेकिंग एनी इंक्वायरी या फिर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स या आस्किंग फॉर और गिविंग एनी इंफॉर्मेशन या फिर प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाइज। इट कैन बी लेटर टू द स्कूल और कॉलेज रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशूज, एनीथिंग इन द सेम वे एंड देर विल बी 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर ओनली 1। दिस कैरीज 5 मार्क्स। नाउ कमिंग टू स्पीच और डिबेट, इन दिस आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इट कैन बी ऑन डिबेट और स्पीच और आपको इसका भी आंसर अप्रॉक्स 120 to 150 वर्ड्स में करना है एंड दिस कैरी 5 मार्क्स। किसी एक का ही आपको आंसर करना है। अब लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ईच विल कैरी 2 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रोज से रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो पोइट्री से रहेगा फ्रॉम योर बुक हॉर्नबिल। टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको किसी 2 का आंसर करना है विद इन 30 to 40 वर्ड्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 7th नंबर, 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो वो आपके प्रॉज से रहेगा, दैट विल बी फ्रॉम योर स्नैपशॉट बुक एंड यू हैव टू आंसर दिस विद इन 40 to 50 वर्ड्स। टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो रहेगा इट कैन बी फ्रॉम प्रॉज और पोएट्री फ्रॉम योर बुक हॉर्नविल। इसमें आपको आंसर अप्रॉक्स 120 to 150 वर्ड्स में करना है। देर विल बी 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको सिर्फ किसी एक का ही आंसर करना है एंड दिस कैरीज 5 मार्क्स। और नंबर 9 इज 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके स्नैपशॉट्स बुक से ही रहेगा। इसका भी आंसर आपको 120 to 150 वर्ड्स में करना है। देर विल बी 2 क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू आंसर ओनली 1 क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चंस रह सकते हैं उस तरीके के रह सकते हैं, लाइक कोई भी चैप्टर से एक पॉइंट दे दिया जाए किसी भी इंसिडेंट का एंड उसमें आपको डिस्कस करना है, यू हैव टू कमेंट या फिर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अबाउट द इवेंट, इस तरीके से। सो वी कम टू एन एंड, आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। डू वॉच ऑल द लेसन्स दैट इज़ अपलोडेड बाई मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe my channel.